एक मिनट जी, चलो पीछे। सर इधर वो भी लिया ना अपने प्यासे चने भी रखो ना। हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना सारे बंदे बना के चलो। हाँ मंदिर के हाथ जोड़ा था मंदे हाथ जोड़ा अग्जा कर लो। ठीक है आज आरसपुरा कोट बाज़ार जो हमारी यूनियन है यहाँ पर शॉपकीपर की, इन सभी ने मिलकर ये कोट बाज़ार के दुकानदार भाइयों ने कबीर साहब का जो आज 624वां कबीर निर्माण दिवस मना रहे हैं, तो कबीर निर्माण दिवस के ऊपर म्यूनसिपल्टी के मेरे जो सहयोगी हैं साथी हैं उनको सबको भी बुलाया है। तो आज इन्होंने कोट बाज़ार में ये पानी ठंडे पानी की शिविर लगाई है और खाने के लिए भंडारे का कार्यक्रम रखा है। तो मैं समझता हूँ कि कोट बाज़ार के जितने भी ये शॉपकीपर हैं ये धार्मिक आस्था से तो जुड़े ही हैं, ये एक सोशल आस्था से भी जुड़े हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है कबीर साहब का, ये बाज़ार एसोसिएशन ने किया, मैं अपनी तरफ से अपनी म्यूनसिपल्टी की तरफ से यहाँ पर हमारे बाज़ार के गणमान्य व्यक्ति सभी पहुँचे हैं, एडवोकेट साहब भी हैं, ये हमारे बजाज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और ख़ासकर सरदार हजूरी सिंह जी जिन्होंने इस कोट बाज़ार की जो संस्था इनका पूरा सहयोग किया है, मानदेव सिंह जी, सतपाल जी और बाकी सारी जितनी भी इनकी टीम है, इस टीम ने आज बाज़ार के अंदर आप देख ही रहे हैं कि कबीर निर्माण दिवस के ऊपर कितना हर्षोल्लास है। तो मैं समझता हूँ कि आज सभी लोग जो हैं, सभी धर्मों के लोग जो हैं वो कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब की फिलासफरी को मानते हैं। तो आज हम सब यहाँ मिलकर कबीर साहब के निर्माण दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई, लख लख शुक्राना इस बाज़ार की एसोसिएशन का जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम रखा। दुनिया नु जयंती दी बहुत बहुत बधाइयाँ।
देखो संत जदू भी आए ने उनका एक संदेश रहा है कि भुले शाह भी एक बड़ी अच्छी बानी है कि अमला पिछे होन नवेड़े खड़िया रहमन जाता जाता जात पात कबीर साहब ने कदे नहीं देखी और उन्होंने हमेशा एक संदेश दिता कि भाईचारा बना के रखो और आपस मिलजुल के रहो। 624वां प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते कबीर साहब जी दे सब तो पहला ही बाजार एसोसीएशन की तरफों सारिया नू लख लख बधाई। जेड़े भी सज्जन इत्थे बुद्धिजीवी सारे ही इत्थे हाजिर होए ने उन्हां नू भी बाजार की तरफों सारिया नू बधाई होए अज दे दिन दे उत्ते। मगर अज मैं एक गल जरूर कहांगा कि कबीर साहब की जिहड़ी सोच है एक बहुत ही जात बरादरियां तों उपर उठ के एक सैकुलरिज्म का एक कबीर साहब का इतिहास ही जिन्होंने बुनियादी तौर के उत्ते समाज के उत्ते समाज में बदलन के वास्ते बहुत गंभीरता दे नाल काम किया और अपने आप नू एक बड़ा नॉर्मल जां इंसान पेश करते हुए समाज में बदलन के वास्ते समाज की बुराइयां नू दूर करने वास्ते ऊंच नीच का पिन भेद खत्म करने वास्ते उन्होंने जात बरादरी तों उपर उठ के एक सैकुलरिज्म की एक मिसाल पेश की। कबीरा खड़ा बाजार में हर की मंगे खैर ना कहन से दोस्ती ना कहन से बैर। कबीर साहब ने अपने जन्म दे संघर्ष दे विच बहुत ही जात बरादरी संघर्ष दे विच लड़ाइयां दे उत्ते अपने आप नू एक मार धाड़ दे विच भी उन्होंने अपने आप नू पेश कीता और संघर्ष कीता बहुत वड्डा कबीर साहब ने समाज नू बदलन दे वास्ते। अज भी कबीर साहब की सोच का बहुत सार्थक जरूरत है जिहड़ी कि तां कि समाज नू जो जात बरादरियां दे अज झगड़े ने उन्होंने खत्म किया जा सके और एक अच्छा देश अच्छा समाज निर्माण करन दी यही कोशिश करिए। अज दे दिन ते यही बाजार दी तरफों तमाम जिन्हें भी साढ़े कोल इत्थे एडवोकेट भी काफ़ी लोग साथ साडा सहयोग किया जाने सारयां दी तरफों एक संदेश देने की कोशिश करने कि तां कि एक अच्छा समाज सिरजन की कोशिश करिए और एक अच्छा समाज आए तां कि कबीर साहब की सोच का ता ही फायदा हो सकता सारयां नाल।